डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग कैसे करना है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अगर एक चेन है और एक चेन को दो एलिसाइक्लिक रिंग या दो साइक्लिक रिंग अटैच है, तब नाम कैसे लिखेंगे ये रूल फॉलो करना है। उसके बाद एलिसाइक्लिक रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तब क्या नाम लिखना है। तीसरा रूल, अगर एलिसाइक्लिक रिंग के बाहर जो साइड चेन है उस साइड चेन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तब नाम कैसे लिखना है। उसके बाद साइड चेन को अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तब नाम कैसे लिखना है ये भी रूल हमें देखना है। उसके बाद एलिसाइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप भी है, साइड चेन भी है, और साइड चेन को भी फंक्शनल ग्रुप है, एलिसाइक्लिक रिंग को भी फंक्शनल ग्रुप है, तब नाम कैसे लिखना है, कौन सा रूल फॉलो करना है ये भी देखना है। उसके बाद एलिसाइक्लिक रिंग में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, और साइड चेन भी है, तब कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए और नाम लिखना चाहिए ये भी हम देखेंगे। उसके बाद एलिसाइक्लिक रिंग बेंजीन रिंग को अटैच है, तब नाम कैसे लिखेंगे ये भी रूल हम देखेंगे। और उसके बाद बेंजीन को भी फंक्शनल ग्रुप है, एलिसाइक्लिक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट है, तब कौन सा नाम लिखेंगे या किस तरह से नाम लिखेंगे ये सब हम देखेंगे इस पीरियड में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक एग्जांपल के साथ हर एक रूल हमें सीखना है, तो लास्ट के एग्जांपल तक एंड रूल मतलब लास्ट वाला रूल भी आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट रूल भी समझना होगा विथ लास्ट एग्जांपल। लास्ट पीरियड में हमने एलिसाइक्लिक का नेमिंग कैसे करना है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग कैसे देना है ये देखा। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा अगर रिंग जो साइक्लिक रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब अल्किल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। तब आपका साइक्लोअल्केन ये मेन चेन होगा और जो अल्किल ग्रुप है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। दूसरा रूल हमने देखा, अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या अल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और साइक्लोअल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज्यादा है तब भी इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। तब भी हमने रूल कौन सा फॉलो किया, तो तब भी हमने रूल फॉलो किया जो साइड चेन है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है और जो साइक्लिक ग्रुप है साइक्लोअल्केन है वो आपका मेन चेन है। तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा रूल हमने कौन सा सीखा, तो तीसरे रूल में देखा अगर साइक्लोअल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और साइड के अल्किल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है तो इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तब आपका साइक्लोअल्केन होगा सब्स्टिट्यूएंट और जो साइड चेन है वो होगी आपकी मेन चेन। उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसी को हम आगे देखेंगे। तो आज के एग्जांपल में क्या है, आज देखेंगे ये है साइक्लिक ग्रुप CH2 और ये भी है साइक्लिक ग्रुप। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में दो साइक्लो ग्रुप अगर सिंगल अनब्रांच्ड चेन को अटैच है तो ये जो चेन है अनब्रांच्ड ये आपकी मेन चेन है और जो दो साइड के सब्स्टिट्यूएंट्स है जो साइड का साइक्लिक ग्रुप है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो समझ में आ रहा है रूल क्या है, रूल है अगर एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स अटैच है चेन को तब
इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, तब हम इसको ये जो है साइड का साइक्लिक ग्रुप, ये जो साइड का साइक्लिक ग्रुप है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और जो ये बीच में है ये आपका मेन चेन है। तो नंबरिंग देंगे टर्मिनल कार्बन से 1, 2, 3 नंबरिंग आया ये। तो दो पोजीशन पे, कौन से 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे 1 एंड 3 1.3। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए हमने इसको साइक्लो लिखा। फिर 3 कार्बन एटम्स है साइक्लिक रिंग में, तो इसलिए हमने उसको लिखा प्रोपिन। तो ये आया 1, 3 साइक्लोप्रोपिन। और जो सिलेक्टेड चेन है आपका अल्केन ग्रुप है, इसमें है 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये आएगा प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए आएगा ANA। तो यहां पे नाम आ रहा है 1, 3 साइक्लोप्रोपिन प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है साइक्लिक साइक्लोब्यूटेन, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोब्यूटेन। फिर ये CH2, 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 और इसको अटैच है और एक साइक्लोब्यूटेन। तो एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स अटैच है, तो सच कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। एंड ये जो बाजू में जो साइक्लिक रिंग है साइक्लो ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है जो अल्केन ग्रुप है ये आपका मेन चेन है, फिर टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देना है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे साइक्लिक रिंग्स है, कौन से, 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन। तो यहाँ पे 1, 4, 2 है इसलिए डाय साइक्लिक रिंग है, इसलिए साइक्लो डाय साइक्लो ब्यूटीन। और जो सिलेक्टेड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसलिए यानी। तो ये नाम आ रहा है 1,4-dicyclobutyl ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है साइक्लोहेक्सीन, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड रिंग इज साइक्लिक, सो इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोहेक्सीन। अब जब ये अटैच होता है तो होगा हेक्सीन, तो ये साइक्लोहेक्सीन CH2, 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 फिर ये और एक साइक्लोहेक्सीन। अब एक से ज्यादा नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स अटैच्ड टू द अनब्रांच्ड चेन, तब आपका सिलेक्शन होना चाहिए अल्केन के लिए। ये अल्केन सेलेक्ट कर दिया आपने, फिर नंबरिंग देना है टर्मिनल कार्बन से 3, 4। अब फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे साइक्लिक रिंग्स है, तो ये फर्स्ट पोजीशन कॉमा फोर्थ पोजीशन साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसलिए हेक्स, और सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL। तो ये आया 1,4 साइक्लोहेक्सीन और 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये आएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा ब्यूटेन। तो ये आया 1,4 साइक्लोहेक्सीन ब्यूटेन। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में ये है साइक्लोहेक्सीन, फिर इसको अटैच किया हमने CH2CHO। ये एग्जाम्पल अलग है, डिफरेंट है। इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस एग्जाम्पल में एक तो साइक्लिक रिंग है जिसको हम साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे, और साइड चेन में एक CH2 ग्रुप है और एक CHO फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन और मेन चेन कौन, तो साइड चेन में ये जो साइड चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, और जो साइक्लिक ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, लेकिन यहां पे साइड चेन के साथ है फंक्शनल ग्रुप। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर साइड चेन अथवा साइक्लिक ग्रुप जिसके भी साथ फंक्शनल ग्रुप होता है या मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब जैसे डबल बॉन्ड होता है अथवा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब
हमें सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है या जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है उसको सेलेक्ट करना है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम हो अथवा ज्यादा हो। इसके पहले जब फंक्शनल ग्रुप नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, तब हम सेलेक्ट करते थे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको, और जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग कहते थे। अब इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ वो आपका बॉस, फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ नहीं वो आपका बॉस नहीं। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ है चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है या ज्यादा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 एंड साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6, लेकिन फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के साथ है चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो, फिर भी वो आपका मेन चेन है और जो साइक्लिक ग्रुप है यहां पे उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो आपका ये जो रिंग है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचिंग है। अब ये सिलेक्शन हुआ आपका किस कारण सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, बॉस है। अब टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देना है, फिर फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए, तो इस टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देंगे तो CHO ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। अब सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है आपकी, वो भी क्या है, साइक्लिक ब्रांचिंग है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 2 पोजीशन पे साइक्लिक ब्रांचिंग है, इसलिए लिखा है इसको 2। अब ब्रांचिंग का नाम साइक्लिक है इसलिए लिख रहे हैं साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल में आते हैं 6 तो लिखेंगे हेक्स। अब ये ब्रांचिंग है इसलिए लिखेंगे वायर, तो ये आएगा 2 साइक्लोहेक्सीन। फिर सिलेक्टेड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 तो आएगा ईथ। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसलिए आएगा ये Ne। अब CHO की पोजीशन है 1 और CHO के लिए आएगा अल, और एक इंपॉर्टेंट बात AB ओवल है तो इस E को निकालना पड़ेगा। नाम क्या रहा है, 2 साइक्लोहेक्सीन ईथर 1 अल। और एक एग्जांपल, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन को हमने अटैच किया CH2 और ये COOH। साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, लेकिन साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका सिलेक्शन कौन सा होना चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सिलेक्शन है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो या ज्यादा हो। तो आपका सिलेक्शन है मेन चेन है ये CH2 CH2 COOH, और ये जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचिंग है, इसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है फिर भी उसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस कारण इसको हम ब्रांचिंग में रख रहे हैं। अब नंबरिंग देना है टर्मिनल कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब थर्ड पोजीशन पे आपकी साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लिक ब्रांचिंग है, तो लिखेंगे यहां पे 3 पोजीशन पे साइक्लो, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोपेंटाइल, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो यहां पे आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन 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 तो आएगा Ane, डैश 1 पोजीशन पे COOH है तो ये 1 पोजीशन पे, और COOH के लिए OIC एसिड, तो ये भी ओवल है ये भी ओवल है, तो इस E को निकाल देंगे हम, तो नाम आ रहा है यहां पे 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 आइक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लिया हमने साइक्लोपेंटेन, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 2 है,
रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, लेकिन साइड चेन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड, तो सिलेक्शन होना चाहिए जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है वो आपका मेन चेन है और साइक्लिक रिंग यहां पे आपका ब्रांचिंग है या सब्स्टिट्यूएंट है। अब सिलेक्टेड चेन को नंबरिंग देना है टर्मिनल कार्बन से। इस पोजीशन पे दिया नंबर 1 तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहां से नंबरिंग देते हैं तो भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पोजीशन से देंगे तो सिर्फ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और अगर लेफ्ट टर्मिनल से देंगे तो डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और सब्स्टिट्यूएंट जो है ब्रांचिंग भी जो है वो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी। तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है, तो आपका नंबरिंग सही कौन सा है? लेफ्ट से राइट की तरफ सही नंबरिंग है आपका। तो यहां पे 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 1 सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ब्रांचिंग का नाम लिखना है साइक्लोपेंटाइल। जैसे यहां पे भी साइक्लोपेंटाइल है तो यहां पे भी साइक्लोपेंटाइल, तो 1 साइक्लोपेंटाइल। अब इथ 2 कार्बन है एटम्स इसमें सिलेक्टेड में, तो आएगा ये इथ, और इथ में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा तो इसलिए 1 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इथ और डबल बॉन्ड के लिए यहां पे ENA, तो ये नाम आ रहा है 1 साइक्लोपेंटाइल इथेन। तो रूल्स है, रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी है उसको सेलेक्ट करना है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो या ज्यादा हो। अब देखेंगे हम अगर साइड चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब कौन सा रूल फॉलो करना है। तो एग्जांपल देखेंगे, ये है साइक्लोहेक्सेन, यहां पे OH लगाया, OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पे OH लिखा हमने, फिर CH2 CH OH साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप लिखा CH2 CH2 OH, दूसरा फंक्शनल ग्रुप लिखा साइड चेन में। अब नाम क्या लिखना है यहां पे? अब यहां पे रूल ये है कि यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक रिंग को भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है और साइड चेन को 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए ये साइड चेन जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो। अब ये आपका मेन चेन हुआ, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देंगे। अब टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग यहां से देंगे तो 2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और राइट साइड या राइट टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, तो सही नंबरिंग होगा आपका राइट साइड से, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये 1 2 3 और ये 4, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब जो ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक रिंग, उसको भी एक OH ग्रुप अटैच है या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अब क्या करेंगे, अब इसको भी नंबरिंग देना पड़ेगा। इसको नंबरिंग कहां से देना पड़ेगा? तो जो भी कार्बन, ये कार्बन जो भी कार्बन पेरेंट चेन को या सिलेक्टेड चेन को अटैच है उस कार्बन को नंबरिंग देना है फर्स्ट। क्या है ये? जो साइक्लिक रिंग है उसको सब्स्टिट्यूएंट है, इस कारण हमें सब्स्टिट्यूट ये साइक्लिक रिंग को भी नंबरिंग देना पड़ेगा। ये नंबरिंग जाएगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो कार्बन है वो अटैच है इस सिलेक्टेड चेन को पेरेंट चेन को, तो इस कार्बन को जाएगा फर्स्ट नंबर। मतलब रूल क्या है? रूल है अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में अटैच है तो उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, मेन चेन सेलेक्ट करो, और जो साइक्लिक रिंग है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। एक पॉइंट, सेकंड थिंग इज दैट उस
साइक्लिक रिंग को भी आपको नंबरिंग देना है। तो साइक्लिक रिंग जिस कार्बन से भी मेन चेन को अटैच है उसको नंबरिंग देना पड़ेगा आपको एक। तो यहां पे इस कार्बन को नंबरिंग आएगा वन, फिर अगर यहां से क्लॉकवाइज देते हो आप तो वन टू थ्री फोर पोजीशन पे OH घूम पा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देते हो तो वन टू थ्री फोर पोजीशन पे OH आ रहा है। तो कौन सा भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। तो यहां पे चार नंबर पे ये आपका साइक्लिक रिंग है, चार नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये फोर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में फोर, फोर पोजीशन पे OH ग्रुप है इसलिए ये फोर, ये फोर किस लिए, तो ये फोर है साइक्लिक रिंग अटैच है आपका फोर पोजीशन पे इसलिए ये फोर लिखना है आपको सब्स्टिट्यूएंट या साइक्लिक रिंग को, और एक सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन, तो ये चार। अब ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, अगर प्रिंसिपल हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH तो एंडिंग करते हैं OL से, और अगर वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम सफिक्स प्रिफिक्स करते हैं हाइड्रोक्सी से। तो यहां पे आया फोर हाइड्रोक्सी ना पड़ेगा, तो ये फोर हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सीन ब्यूटेन, चार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहां पे ब्यूटेन वन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप कॉमा फोर पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, थ्री पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, तो ये आया वन थ्री, दो है इसलिए डाय और OH के लिए यहां पे OL। तो फोर फोर हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सीन ब्रैकेट क्लोज ब्यूटेन वन थ्री डायोल। और एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे हम, ये साइक्लोहेक्सेन यहां पे OH ग्रुप CH2CHO CH2CH2CHO। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में साइक्लिक रिंग है जिसको OH अटैच है, साइड चेन है अल्केन ग्रुप है जिसको दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक CHO दूसरा CHO मतलब एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमने यहां पे मेन चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया साइड चेन को। अब नंबरिंग देना है साइड चेन को या पेरेंट चेन को, नंबरिंग देना है टर्मिनल कार्बन से। अब इस टर्मिनल से नंबरिंग देंगे तो CHO फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इस टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग देंगे तो भी CHO फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अब क्या करेंगे, तो अब सब्स्टिट्यूएंट दोनों पोजीशन से अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे है तो अब सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होना चाहिए या ब्रांच शुड एट द मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो इस टर्मिनल से नंबरिंग देंगे तो वन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, टू थ्री फोर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, इस टर्मिनल से नंबरिंग देंगे तो वन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो सही होगा आपका ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेलेक्टेड चेन। अब ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक रिंग है उसको भी आपको नंबरिंग देना है। अब इसको नंबरिंग देते समय मेन चेन को जो भी कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है उसको फर्स्ट नंबर देना चाहिए, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब ब्रांचिंग का नाम पहले, तो ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट ये साइक्लिक रिंग दो पोजीशन पे अटैच है सिलेक्टेड चेन के, तो ये टू पोजीशन। अब फोर पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे फोर हाइड्रोक्सी, ये फोर पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फोर पोजीशन या मतलब फोर हाइड्रोक्सी ये साइक्लो हेक्सीन ब्रैकेट क्लोज, सेलेक्टेड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइव, तो ये आएगा पेंट,
कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है तो ये आएगा ANE फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये आएगा 1.5। दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए आएगा डाय और CHO फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स आता है आएगा डायल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये ओवल से नहीं शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, ये ई है तो इस ई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे यहां पे क्योंकि ये डी से शुरू होता है। इस एग्जांपल में भी ये डी से शुरू होता है इसलिए इस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, यहां पे भी इस ई को निकाल नहीं देंगे। तो ये नाम क्या रहा, ये नाम आ रहा है 2-hydroxycyclohexyl ब्रैकेट में फिर पेंटेन 1,5-diol। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग as well as substituent attached to the cyclic ring, तब हमें priority किसको देना है और नाम कैसे लिखेंगे ये देखेंगे हम। ये cyclohexane, इसमें ये double bond, यहां पे ये CH3 group treated as the substituent group। तो इसमें क्या है, इसमें साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब रूल ये है कि नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो ट्रिपल बॉन्ड शुड एट द मिनिमम पॉसिबल नंबर, इस एग्जांपल में वो फर्स्ट पोजिशन पे आना चाहिए। कई बार बच्चे लिखते हैं कि यहां पे वन पोजीशन, यहां पे टू पोजीशन और यहां पे थ्री पोजीशन, गलत है। जब डबल बॉन्ड को नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो सेकंड कार्बन को, उसका जो सेकंड कार्बन है उसको सेकंड ही नंबर आना चाहिए। तो यहां से हम जंप नहीं कर सकते कि इसको वन दिया, उसको टू दिया, इसको थ्री दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या है, यहां पे रूल ये है कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन देना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड शुरू होता है यहां से तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों नहीं दिया, तो इसको अगर फर्स्ट और इसको सेकंड देते तो सब्स्टिट्यूएंट 3, 4, 5 पोजीशन पे आता। इसको फर्स्ट, इस कार्बन को फर्स्ट और इस कार्बन को सेकंड दिया क्योंकि यहां पे 3 और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहां पे आएगा 4, 4 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है तो 4 पोजीशन पे मिथिल साइक्लो साइक्लो हेक्स और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पे लिखा हमने साइक्लोहेक्स 1 और डबल बॉन्ड के लिए लिखा यहां पे ENE। अब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक ही साइक्लो रिंग को दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये साइक्लिक रिंग साइक्लोहेक्सेन, इसको अटैच है CHO और COOH, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी ज्यादा जाता है किसको, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए। तो यहां पे हमें पता है कि पहले पीरियड में देखा हमने कि COOH हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप व्हिच हैव अ मोर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी देन द CHO ग्रुप। तो आपका ये प्रायोरिटी है तो आपका फर्स्ट पोजीशन जाएगा जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको, और सेकंड जाएगा जिसको प्रायोरिटी नहीं है या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है इसको। तो यहां पे आपका ये COOH got more priority due to that it is the principal functional group, main functional group, और ये जो है ये आपका secondary functional group है। तो नाम लिखते समय अब ये आपके branching है और ये आपका selected functional group है, तो नाम लिखते समय नाम लिखेंगे two position पे,
क्या है CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है तब उसको हम लिखते हैं फॉर्मिल, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है या मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तब हम उसको सफिक्स करते हैं अल से। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है इसलिए लिखा हमने टू फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वन पोजिशन पे COOH ग्रुप दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड ओ COOH, यहां पे भी दो फंक्शनल ग्रुप, एक COOH फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दैट इज द C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि COOH को प्रायोरिटी होना चाहिए या कीटोन को प्रायोरिटी होना चाहिए। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर देना चाहिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, जब वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तब उसको प्रीफिक्स क्या करना है, इसलिए आपको हमारा पहला पार्ट देखना पड़ेगा, मतलब पार्ट 5, 6, 7 तब देखना पड़ेगा, तब आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा। तो यहां पे ये COOH फंक्शनल ग्रुप जो है विद क्या बॉटम फर्स्ट प्रायोरिटी और ये C डबल बॉन्ड वो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 1 और ये 2 पोजीशन पे आपका ये आप सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 पोजीशन ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, जब ये C डबल बॉन्ड वो कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है तब प्रीफिक्स करते हैं ऑक्सो अथवा कीटो। तो यहां पे आएगा 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन CH2 CH3 इथिल ग्रुप CONH2 अमाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांचिंग है, एक अल्किल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, इथिल है, तो इथिल साइक्लोहेक्सेन डैश 1 पोजीशन पे CONH2 है तो यहां पे उसका नाम आएगा कार्बोक्सामाइड। तो ये नाम आएगा टू इथिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल के साथ ये साइक्लोहेक्सेन ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे CH2CH3, यहां पे CH2CH3। अब यहां पे एक अलग सा रूल देखना पड़ेगा, क्या है वो रूल, ये रूल है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी यहां पे फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप को हमने फर्स्ट पोजीशन दिया यहां पे। अब क्लॉकवाइज नंबरिंग होना चाहिए साइक्लिक रिंग को या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब इसको हम सेकंड नंबरिंग देते हैं तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसको हम नंबरिंग देते हैं तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आता है। तो अब प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, तो यहां पे डबल बॉन्ड भी सेकंड पोजीशन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग दिया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग दिया तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, और एक कंफ्यूजन थर्ड फोर्थ पोजीशन पे तीसरा सब्स्टिट्यूट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे सेकंड थर्ड पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन देना चाहिए तो हमने दिया।
अब सेकंड पोजीशन आपको देना है मल्टीपल बॉन्ड को, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम जनरली लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पे प्रायोरिटी जाएगा मल्टीपल बॉन्ड को। फिर थर्ड पोजीशन, तो ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट शुड ऐड द मिनिमम पॉसिबल नंबर, तो ये नंबरिंग सही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है और फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे अल्किल ग्रुप आता है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट तीनों भी एक ही कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तब किसको प्रायोरिटी देंगे। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखते समय पहले ब्रांचिंग का नाम, ब्रांचिंग की पोजीशन 5, 6, दो है इसलिए डाई, CH2CH3 है इसलिए इथाइल, तो ये आया 5, 6 डाई इथाइल। अब ये साइक्लिक रिंग साइक्लोहेक्स, अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड के लिए ई होता है लेकिन यहाँ पे ONE से शुरू होगा, दोनों भी वॉवेल है इसलिए ई को हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो 2EN1ON किस लिए, तो ओन है कीटोनिक ग्रुप के लिए, यहाँ पे आएगा 5, 6 डाइथिल साइक्लोहेक्स 2N1ON। इसी प्रकार के और दो एग्जांपल्स देखेंगे हम, ये है साइक्लोहेक्सेन, यहां पे अटैच है फंक्शनल ग्रुप OH, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट CH3, तो अब क्लियर है, क्लियर ये है कि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड 2, 3, फिर सब्स्टिट्यूएंट 4, ये 5 और ये 6, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी है तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाम आएगा 4, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल साइक्लोहेक्स 1N, डबल बॉन्ड के लिए EN और 1 और OH के लिए O, तो ये आएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1N 1OL। दूसरा एग्जांपल, यहां पे साइक्लोहेक्स, यहां पे फंक्शनल ग्रुप CHO, ये डबल बॉन्ड और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH, अब प्रायोरिटी किसको चाहिए। अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद है कि एल्डिहाइड गेट्स मोर प्रायोरिटी देन द अल्कोहल, तो आपका ये जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज द ब्रांचिंग, तो ये ब्रांचिंग है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहेंगे ब्रांचिंग, और ये आपका है मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देते समय फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रांचिंग है, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर जाएगा मल्टीपल बॉन्ड को, यहां पे ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, तो 5 पोजीशन पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी, तो ये आएगा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड 2N और 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे CHO ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे हम कार्बाल्डिहाइड, तो ये आएगा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2N1 CHO के लिए कार्बाल्डिहाइड। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल के साथ, जब एलिसाइक्लिक रिंग भी है कंपाउंड में
और वो अटैच है बेंजीन को, तब कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? ये एलिसाइक्लिक रिंग जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये बेंजीन, तो बेंजीन अटैच है, एलिसाइक्लिक ग्रुप अटैच है, तब इसका नाम लिखेंगे, इट इज दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है ये आपका मेन है, ये जो साइक्लिक रिंग है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो व्हेन बेंजीन एज वेल एज साइक्लिक रिंग साइक्लो कंपाउंड कनेक्टेड टू ईच अदर एट दैट टाइम इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोहेक्सीन है, तो इसका नाम आएगा 1-cyclohexylbenzene, 1-cyclohexylbenzene। नेक्स्ट एग्जांपल, ये साइक्लोहेक्सिल, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे CH2CH3, फिर इसको लिंक करेंगे बेंजीन को, ये बेंजीन, फिर बेंजीन को अटैच करेंगे एक एनवोटो ग्रुप। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें बेंजीन है उसको भी एनवोटो ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, साइक्लोहेक्सीन है उसको भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। तो इन सच एग्जांपल्स इट इज ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो इसमें भी बेंजीन आपका मेन चेन है और जो ये है वो आपका साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचिंग है। अब नंबरिंग देते समय जहां पे साइक्लोहेक्सिल ग्रुप या साइक्लिक रिंग अटैच है उसको फर्स्ट नंबर देंगे बेंजीन को नंबरिंग देते समय। तो बेंजीन को नंबरिंग देंगे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जहां पे साइक्लिक रिंग एलिसाइक्लिक रिंग अटैच है उसको नंबरिंग देंगे 1। ये जो कार्बन है ये कार्बन अटैच है इस साइक्लिक रिंग को, तो इसको नंबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी नंबरिंग देना है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को नंबरिंग देते समय ये एलिसाइक्लिक कार्बन इस बेंजीन को अटैच है, तो जो भी कार्बन बेंजीन को अटैच है उस कार्बन को नंबर देंगे 1। रूल क्या है? जो भी कार्बन एलिसाइक्लिक रिंग का जो भी कार्बन बेंजीन को अटैच है उसको नंबर देंगे 1। उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग देंगे, वो भी सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए। यहां से नंबरिंग देंगे क्लॉकवाइज में तो ये 6 नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, यहां से नंबरिंग देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसका नाम लिखना है। वन पोजीशन पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांचिंग है ये बेंजीन के वन पोजीशन पे है, तो ये 1 ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पे 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो ये सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन। इथिल ग्रुप है तो ये आएगा इथिल ग्रुप 2 ethene, 1 ये 1, ये 2 ethene, cyclohexene ब्रैकेट क्लोज। अब ये बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन पे अटैच है तो ये 4। NO2 के लिए लिखेंगे नाइट्रो और ये बेंजीन। तो यहां पे प्रायोरिटी होना चाहिए आपको जिसमें जिस कंपाउंड में एलिसाइक्लिक रिंग भी है और बेंजीन भी है, तब आपका प्रायोरिटी होना चाहिए बेंजीन को और उसके बाद एलिसाइक्लिक रिंग को।
ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे अगर दो रिंग अटैच है उसको हम बायसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं, तो नेमिंग टू द बायसाइक्लो कंपाउंड्स हम ये नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।